जैसे मैं शॉर्ट्स पहन के जाती थी तो मेरी मम्मी को पास वाली आंटी ने किसी ने बोल दिया कि लड़की को ना बोलो कि कम से कम लोअर तो पूरा डाल के जाए। मैं आंटी को बोलो मेरे को बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हमारे अंदर भी एक वो भावना आ गई थी कि लड़कों की तरह हमें खुल के रहना, खाना, पूरी आजादी थी हमारे घर में। चलो पीछे पीछे जा। घर में ही मिट्टी डाल दी उन्होंने, हम पूरा एक दो महीना खेले, उसके बाद उन्होंने देखा कि हाँ कि ये कुछ कर सकते हैं, तब उन्होंने रेसलिंग में डाला और फिर वो जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई। ताऊ जी का जो ट्रेनिंग प्लान था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था। जैसे हम 3:30 बजे उठ लेते थे ट्रेनिंग के लिए, फिर हम 7 बजे तक 8 बजे तक लगाए रहते, कोई टाइम फिक्स नहीं था, कोई वीकेंड नहीं हमारा, कोई हमारा पिकनिक नहीं है, हॉलीडे नहीं है, कुछ नहीं हमारा। वो एक ही बात बोलते थे कि अगर आपका ड्रीम है कि ओलंपिक्स में मेडल लेके आए तो फैशन को छोड़ दो, ट्रेनिंग और खाना और पीना और सोना। पापा की डेथ हो गई, उसके बाद में काफी डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि अब गांव के लोग भी बोलने लगे थे कि ये बड़ी हो रही हैं अभी तो आप इनकी शादी का सोचो क्योंकि आप अकेले आप मदर हो। लेकिन मम्मी का भी जगह इतने साल तक अगर मेहनत की है तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मेरी तरह ही मतलब घर का काम करे। मिनेश 5 साल की थी, ने दूध खाड़ा के अंदर बेच दी थी। एक तो बेटा दिक्कत खूब आई, पापा खत्म होगा तो फिर मेरे न्यू आत्मा में न्यू होगी ठंडी, भाई इतना कष्ट लिया तो आजमान फल मिल गया। एज एथलीट हारना आई थिंक किसी को पसंद नहीं है, लेकिन रियो के बाद एकदम से ऐसा टाइम आ गया कि गया सब कुछ हाथ से निकल रहा है। आई थिंक मेरा खुद पे विश्वास काफी है कि कुछ भी हो जाता है तो मुझे इतना पता है कि मैं निकल जाऊंगी या कर जाऊंगी। उस टाइम पे तो लोग बोलते थे कि क्या करवा रहे हो लड़कियों से, लेकिन अभी इतना हमारे गांव के आसपास इतना माहौल है कि लड़की पैदा होते बोलते कोई दिक्कत नहीं, पहलवान बना देंगे। अगर हम लड़कियों के लिए या अपनी रेसलिंग के लिए अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो वो मेडल से कम नहीं है।